आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति। स्टेशन पर बम की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल भोपाल रेल के एडीजे ऑफिस में फोन पर नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना पहुंचने के बाद यहां हड़कंप मच गया। जीआरपी ने आरपीएफ को जानकारी दी और उनके बाद नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर सख्ती कर दी गई। रेलवे जीआरपीएफ पुलिस आरपीएफ और सिटी पुलिस भी डॉग स्क्वाड के साथ सघन तलाशी में जुटी हुई है। ट्रेनों के साथ साथ यात्रियों की सघन तलाशी ली जा रही है। रेलवे की पटरियों पर भी सर्च अभियान जारी है। साथ ही स्टेशन के सभी गेटों पर चौकसी कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर पूरी नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले को अफवाह मान रही है, पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम और सर्च अभियान भी जारी है। रेलवे स्टेशन को बम तोड़ाने की धमकी वाली कोई मैसेज आया हुआ है? बम से उड़ाने की धमकी नहीं है। इससे अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है एडीजी रेल ऑफिस में सूचना दिया गया था कि नरसिंहपुर स्टेशन में बम रखे होने की सूचना है। सूचना पर जीआरपी आरपीएफ व जिला पुलिस द्वारा जो है संयुक्त रूप से नरसिंहपुर डॉक के साथ में पूरे प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक को सर्च किया गया। अभी फिलहाल संदिग्ध नहीं मिली है, जांच जारी है। स्टेशन में बम प्लांट होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में प्लेटफॉर्म ट्रैक और बाइक एवं मोटर स्टैंड एवं जितने यात्री थे सभी की टेस्टिंग की गई। अभी तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं यहाँ पर नहीं पाई। क्या लगता है दो अभी पूरे सर्चिंग के दौरान कुछ नहीं पाया गया है, जिसमें स्निफर डॉग की भी मदद ली गई थी, एचएचएमडी की मदद ली गई थी। तो जांच कैसा लगातार जारी है? अभी जांच कंप्लीट हो गई है, सभी तरफ सर्चिंग कर ली गई है, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं। नरसिंहपुर से प्रभात ठाकुर की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के तुलसी नगर मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद लुकमान के पुत्र ने अपनी बीवी की मिट्टी का तेल डालकर शाम 7 बजे आग लगा दी, जिसे बिना किसी पुलिस के जानकारी देते हुए पीड़िता को लाला लाजपत हॉस्पिटल कानपुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई गई है। सूत्रों के अनुसार घाटमपुर निवासी साहबुद्दीन ने अपनी पुत्री चांदनी रसूलाबाद निवासी गुड्डू के साथ 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। लड़की के भाई के अनुसार ससुराल वाले कई बार उसे परेशान करते रहते हैं, कई गाड़ी तो नगद पैसों की फरमाइशें भी आती रही, पर घर के हालात सही न होने की वजह से वह सारे दुख दर्द सहन करती रही। कल जब पति की फरमाइशें पूरी नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर आंख लगा दी, जिससे पूरा शरीर जल गया। घर वालों ने जल्द ही प्रशासन को सूचना दी, जिससे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। क्या समस्या है बताएं जरा? समस्या ये है कि हमारी भतीजी की शादी हमने 3 साल पहले की थी साहब वहाँ रसूलाबाद। हाँ जी। रसूलाबाद शादी करने के बाद बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रहे थे, मारते करते थे। हम ले आए भतीजी को, उसके बाद हम लेके ये लोग आए, फिर हमने भेज दिया आपसी सहमति से। उसके बाद में दोबारा जब इनने परेशान किया तो फोन किया लड़के ने कि हमें ले जाओ आज। शादी कहाँ की थी? रसूलाबाद थाना रसूलाबाद में, कानपुर देहात में। जी, प्रॉपर रसूलाबाद। कल की घटना बताइए, कल क्या हुआ है? कल ये हुआ कि 4 बजे के लगभग कुटिया खाना वाना बना रही होगी, तो खाना उनका मतलब दाल फैल गई होगी, तो उसने मतलब समेट के नहीं रखा और उसके बाद में लड़के ने मारा और मिट्टी डाल के आग लगा दी। लड़के का किसी गैर लड़की के साथ संबंध है, जिस कारण परेशान करता था। आपका कहना है कि लड़के को खुद आग लगाई है? इन्होंने वहाँ पुलिस को सूचना नहीं दी रसूलाबाद में जब ये हादसा हुआ? हाँ जी, कोई सूचना नहीं दी। क्या नाम भैया आपका? इरफान। इन्होंने वहाँ कोई सूचना नहीं दिया है? नहीं, वहाँ कोई सूचना नहीं दी जी। और बिना बताए हेलमेट में ले आए? 4 बजे जब इन्होंने ये कांड हुआ है तो हमको यहाँ करीब 11 बजे खबर मिली है जी, रात में, तो ये लोग हेलमेट आ चुके थे। अब अच्छा। हम लोग वहाँ नहीं जाके यहाँ आए हेलमेट। अच्छा, जो वहाँ मेरी एफ आई आर भी नहीं हो सकी अभी तक। आपका कहना है कि आग लगा दी गई हमारी बेटी को? आग लगा दी गई है। कैमरामैन शहजादी के साथ ब्यूरो चीफ रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी नलखेड़ा अवकाश का दिन होने के कारण भी खुली रही मंडी। तुलावड़ी संघ ने किया मंडी का घेराव। सूचना पर खबर 9 की टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि कार्यालय खुला हुआ है। अंदर जाने पर मंडी शुल्क सांख्यिकी रूम में 2 व्यक्ति मिले, दोनों से पूछताछ की गई। एक ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि ये क्यों खुली है, दूसरे ने कहा कि मैं यहां का गार्ड हूं।
तब उसे पूछा गया कि आप यहाँ पर गार्ड हैं तो यहाँ के सारे दफ्तर क्यों खुले हैं? तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लगा कि यहाँ पर अवकाश का दिन होने के बावजूद भी माल तोला जा रहा है। तभी खबर 9 की टीम वहाँ पहुँची तो खेरजी माल से भरा हुआ ट्रैक्टर लेकर माल तुलवा रहे व्यापारी ने कहा कि मैंने मेरा माल उनकी निजी दुकान पर बेचा है, पर गोदाम यहाँ होने के कारण माल यहाँ तुलाया जा रहा है। माल प्रशांत के यहाँ तोला गया। किसान के पास करीबन 30 क्विंटल सोयाबीन थी। वहीं उपस्थित तुलावड़ी संघ के अध्यक्ष उमर खास जी ने कहा कि यहाँ कोई व्यापारी नहीं आता है। कई बार मंडी के सेक्रेटरी को आवेदन देकर भी सूचित किया गया, फिर भी कोई मतलब नहीं निकला। सभी व्यापारी के पास लाइसेंस होने के बावजूद मंडी में माल नहीं खरीदते हैं, फिर भी वाउचर पर्ची व्यापारी के द्वारा मंडी के नाम से पर्ची काट देते हैं। ऑफिस खुला है, आप अंदर हो और आप करो, मैं प्राइवेट हो या जो भी हो, आपको अध्यक्ष ने रखा है या सांसद ने, आप बहुत तो सही आगे कहने का मतलब ये गेट खुला था तो ये चाबी इसने बाद में आप क्या खुला मिला आपको नहीं था। आप क्या ये आपने खोला खुला ही था आपको भी खुला मिला तो यह कोई जिम्मेदार नहीं है आप लोगों को खुला मिला आप कैसे आए थे नहीं आप अंदर क्यों आए थे आज का काम था छुट्टी आना पड़ता ऐसा बोला अधिकारी सेक्रेटरी ने बोल रखा कि आपको आना है ये। और ये माल भी तुल रहा है तुल रहा है आप वो जान गए अमरुद्दीन कहाँ के रहने वाले आप बलखेड़े के आप भी प्राइवेट हैं किन्ने रखा आपको सिक्योरिटी गार्ड में तो ये सिक्योरिटी आपकी कैसी है जब फाटक खुले हैं दरवाजे खुले पड़े हैं मंडी में कोई जा सकता ऑफिस खुले पड़े हैं अध्यक्ष का रूम खुला पड़ा है चाबी ताला वगैरह कोई लगाता है दिन में खोलने वाला तो राजा वाला छुट्टी के बाद तो रात को लगा होगा तो खोला किन आप नहीं आपको वो जान लगे खुला मिला प्रशासन ने मंडी ने सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति दी है व्यापार करने के लिए प्राथमिकता दी है तो सभी व्यापारी को मंडी के प्रांगण में ही व्यापार करना चाहिए। जो लोग बाहर माल तुलाते हैं ये अनाधिकृत तौर पर प्रशासन और मंडी के कर्मचारियों की अनदेखी के कारण से ये समस्या खड़ी हो रही है। इससे मंडी में जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारी भी हम माल भी और तुलावटी भी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इनकी रोजी रोटी पे हमेशा संचय खड़ा रहता है, इस कारण से इसका रोक होना चाहिए। एक लिमिटेशन होना चाहिए कि 10 कुंटल 15 कुंटल 20 कुंटल तक माल तुला कोई समस्या नहीं है, उससे अधिक अगर माल तुला है तो उसको रोक लगाना चाहिए। को माल दिया तो आज छुट्टी में मंडी में कैसे माल सभी व्यापारी ले रहे हैं माल सभी मंडी के अंदर तोलते हैं। हाँ मंडी के अंदर छुट्टी हो जाती है। हाँ गोडाउन नहीं होगा जैसे तुला नहीं माल तैयार भी है पर आइए आए दिन बाहर भी माल तुलता है इसका वाउचर की जानकारी नहीं मालूम। अब ये जो माल आप लाए कितना माल है? ये माल है 30 कुंटल। तो ये शासन का जो टैक्स कटता है तो वाउचर वगैरह किसकी जिम्मेदार को है कौन पर्ची काट रहे कितना माल की अपने तो वाउचर दोबारा चेक से हमारा तुलावड़ी नहीं काटता है पर्ची कटवा लेते हैं पक्का बिल बन के देते हैं वो चेक बैंक में खाता में। नलखेड़ा से ब्यूरो राजेश शर्मा के साथ प्रदीप चौबे की रिपोर्ट। नगर में नरसिंह मंदिर प्रांगण में चल रही रामलीला में लोगों का हुजूम बहुत ही अधिक संख्या में देखने को मिल रहा है। ज्ञात हो कि रामलीला का शुभारंभ 29 सितंबर से किया गया है। राघोगढ़ रामलीला का इतिहास लगभग 150 से 200 साल पुराना है। सर्वप्रथम रामलीला राघोगढ़ किले पर हुई जो कई वर्षों तक यथास्थान पर मंच किया गया। इसके बाद राघोगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर रानी जी के मंदिर इसके बाद पुराना बस स्टैंड और माली मंदिर हनुमान क्षत्री और अब श्री नरसिंह मंदिर में लीला का मंच हो रहा है। कहा जाता है कि राघोगढ़ रामलीला से राघोगढ़ के राजघराने की कई पीढ़ियां वर्षों से जुड़ी आ रही है। सर्वप्रथम रामलीला का शुभारंभ श्री गणेश जी और रामायण जी की आरती के साथ हुआ। राघोगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट।
वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति एक चिंतक जनक आयाम है, जिसमें मद्यपान स्टेटस सिंबल बन गया है। मद्य निषेध युगीन आवश्यकता है। उक्त आशय के विचार डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय के रसियो इकाई के मध्य प्रकट किए। डॉक्टर एस सी पटनी ने नशे की प्रवृत्ति युवा संसाधन के लिए घातक निरूपित किया है। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर माया परसते, डॉक्टर जी पी एस चक, अमिता हौसले रही। कार्यक्रम का संचालन नेहरू युवा केंद्र चाचोड़ा ब्लॉक NYP भूतपूर्व छात्र संदीप मेहरा ने किया तथा सभी को प्राचार्य द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली। राघवगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कलेक्टर परिसर में महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ध्वजारोहण किया तथा गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महिला की उन्नति के लिए गांधी जी के बताए मार्ग अवलंबन, दहेज प्रथा की समाप्ति, शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए सामाजिक चेतना पैदा की जाए तथा धर्म, जाति, वर्ग, रंग, संप्रदाय और क्षेत्र आदि के भेदभाव को मिटाकर भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास किया जाए और भ्रूण हत्या एवं मतदाता जागरूकता के संबंध में जन जन को जानकारी दी जाए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जहाँ हर गांव हर शहर में हो स्वच्छता का बसेरा, ऐसा देश हो हमारा। कुछ इसी भावना के साथ दैनिक जागरण समाचार पत्र की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता जागरण का आरंभ जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने अपने आवास के सामने बने PWD पार्क में झाड़ू लगाकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जागरण की स्वच्छता के प्रति चलाई जा रही कोशिश सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जहां हर गांव हर शहर में हो स्वच्छता का बसेरा, ऐसा देश हो हमारा। इसी के तहत सभी को स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। माचलपुर नगर के युवा राकेश मारू को भाजपा जिला अध्यक्ष बद्रीलाल यादव व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, सांसद रोडमल नागर एवं विधायक हजारीलाल दांगी की अनुशंसा पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल माचलपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ता एवं इष्ट मित्रों ने पोलखेड़ा चौराहे एवं बस स्टैंड चौराहे पर आतिशबाजी की एवं मिठाई खिलाकर पुष्पमाला से नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर, किसान मोर्चा जिला महामंत्री ईश्वर तोमर, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह पवार, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राज सिंह गुर्जर, महामंत्री हनुमान पाटीदार, BS मंडलोई, प्रदीप बंसल, संजय गुर्जर आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं इष्ट मित्रों ने बधाइयां दी। माचलपुर से घनश्याम गुर्जर की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील में नगर पालिका परिषद सारंगपुर द्वारा गांधी पार्क में प्रतिमा का अनावरण समारोह कार्यक्रम रखा गया। गांधी जयंती के इस मौके पर श्री त्रिलोक चंद जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा फीता काट कर मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम नगर पालिका CMO, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रुपेल, प्रमोद सादानी, उपाध्यक्ष हफीज, विधायक कुंवर कोठार, मोहम्मद अली, पूर्वक नगर पालिका अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। सारंगपुर से रविन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर के अशासकीय की संस्थान वीरांचल गर्ल्स पॉली स्कूल में प्रधानमंत्री स्कूल वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई। वहीं संस्था की बाल कैबिनेट से प्रधानमंत्री कुमारी प्रिया पवार ने स्कूल की वेबसाइट www.vananchalacademy की लॉन्चिंग की। देश के प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह कार्य किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान अर्जुन सिंह पवार के द्वारा छात्रों को वेबसाइट के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। इस अवसर पर संस्थान के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं एवं छात्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। सिरोंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल पथ संचलन छतरी नाका सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ हुआ। मुख्य मार्ग कस्टम पत्र कटारी बाजार चांदनी चौक सुभाष नगर हाजीपुर होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर वापस पहुंचा। अनेक जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सिरोंज से संतोष जैन की रिपोर्ट। सीमा वर्मा नाम है हमारी उस बहन का, जिनके नेक कार्य दूसरों को भी इस प्रकार के समाज सेवा से जुड़े कार्य करने को प्रेरित करते हैं। जी हाँ, कुमारी सीमा वर्मा ने एक औपचारिक भेंट में हमारे संवाददाता को बताया कि वे MSW की छात्रा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में वो मास्टर ऑफ सोशल स्टूडेंट होते हुए एक डिब्बे में लोगों से मात्र 1 रुपया लेती है। इन पैसों को वे अत्यंत गरीब वर्ग के वे बच्चों जो अपनी फीस नहीं दे पाते, उनके स्कूल की फीस या परीक्षा की फीस भर देती है।
यह बात जुदा है कि आजकल एक रुपए के सिक्के नहीं लेने के चलते कई लोग पाँच रुपए के सिक्के भी इस डिब्बे में डाल देते हैं। यह एक रुपए डालने का सिस्टम सप्ताह महीने में निर्धारित हो, ऐसा नहीं है। अभी तो आप जब चाहे आपको लगे इस डिब्बे में एक रुपए डाल सकते हैं। उन्होंने लोगों को भी अपने जैसे इस प्रकार के नेक कदम उठाने की बात कही। जहां आप भी ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अपने गांव, शहर या सोशल कार्य कर सकते हैं। सामाजिक कार्य का यह अनूठा तरीका है। जब कई लोगों से यह सुना जाता है कि हम किस प्रकार से शुरुआत करें, सेवा के अवसर ईश्वर ने आपको अपने पास ही दिया है। सेवा के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास चाहिए। सीमा वर्मा को उनके इस नेक कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामना देते हुए सामाजिक क्षेत्र में आगे भी इस प्रकार लोगों की सेवाएं देती रहेगी। ये मेरा खुद का मोटिवेशनल कोर्स है। इसको मैंने 10 अगस्त 2016 को दोपहर 12 बजे को अपने कॉलेज कैंपस से स्टार्ट किया था, लोगों से एक एक रुपया कलेक्ट करके। और आज एक साल हो गया और इस एक साल में मैंने 15 बच्चों के साल भर की फीस भरी है। और वो जब तक 12th नहीं कर लेते मैं तब तक उनकी फीस आप सभी लोग के सहयोग से भर रही हूँ। इसमें आप किसी का सहयोग है, आप खुद कर अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं? जी, ये मैं स्टार्टिंग तो मैंने अपनी स्वेच्छा से की थी और मैं आगे बड़ी कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अकेले हम शुरुआत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर लोगों का सपोर्ट मिलता चला जाता है तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। आप इस मोटिवेशन के द्वारा क्या कहना चाहते हो आम बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, आप बिल्कुल उसमें आगे बढ़िए, आप अचीव करेंगे। बस एक हार्ड डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़िए। जैसे कि गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको आप और मैं ही कम कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं और एक दूसरे को पता भी नहीं होता। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी नॉलेज है एक दूसरे से शेयर कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि देश की ताकत हम सब हैं। श्रवण पवार की रिपोर्ट। जिला बहराइच ब्लॉक हुजूरपुर ग्राम मुकाम दो का मामला है, जहां पर दो अध्यापक अकीला बानो, रचना नागर, सहायक अध्यापक, जिनके द्वारा 102 बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है, लेकिन टीचर की कमी से बच्चों का भविष्य अंधेरे में पड़ा है। दूसरी तरफ एक ही कमरे में सारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अध्यापक से पूछने पर बताया गया कि सारी स्कूलों की छत जर्जर हो गई है। 3 से 4 बार एप्लीकेशन देने पर भी लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान इस ओर नहीं है। जब अधिकारियों से बात करना चाहिए तो फोन नहीं उठाया गया, लेकिन जब NCERC से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई बजट नहीं है, इसकी जानकारी सारे अधिकारी कर्मचारी को बता दिया गया है। और ऐसे कई विद्यालय पड़े हुए हैं जहां आप जाकर देख सकते हैं। नाम कुछ इस प्रकार है, प्राथमिक विद्यालय हरदुआपुर, गोकुलपुर, बजट होगा तो काम होगा, जहाँ कार्यालय में पुस्तक रखने तक की जगह नहीं है। और कौन से विद्यालय में आप पोस्ट हैं, कौन से पद पे हैं आप? प्राथमिक विद्यालय मुकाम सेकंड में पोस्ट है, सहायक अध्यापक। और यहाँ जो विद्यालय में बहुत सारी गंदगी है और विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो यहाँ पे बहुत कुछ सुधारने की कोशिश की, हमने PO से भी कहा और इतनी बार हमने एप्लीकेशन भी दिया जिसमें कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। 2014 से हम यहाँ आए हैं, उसके बाद से हमने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि यहाँ की स्थिति सुधर जाए, आज तक कुछ नहीं किया है। नहीं, एप्लीकेशन आपने दिया तो उस पर कोई अधिकारी कर्मचारी को जांच किया नहीं है? कोई नहीं जांच किया। यूपी के भराई से श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा जिले के कानड़ में बुधवार को ओलिया मस्जिद पर मनिहार मोहल्ले में अलीम खिचड़ा का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें युवा कमेटी हैदरी अखाड़े के युवा कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हलीम का प्रोग्राम रखा गया। युवा कमेटी के सदस्य सादिक खान ने बताया कि हमारे द्वारा हर वर्ष प्रतिवर्ष हलीम खिचड़ा का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसको लेकर आज हमारे द्वारा मुहर्रम के 13 तारीख को युवा कमेटी द्वारा, वही हैदरी अखाड़े के उस्ताद मजू खा जावेद खा द्वारा बताया गया कि युवा कमेटी की तरफ से हर साल हलीम खा प्रोग्राम रखा जाता है, वह दोनों मोहल्ले में तबरुक के साथ वितरित किया जाता है। आगरमालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। तकरीबन 3 साल पहले यानी 2 अक्टूबर 2014 को
दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत यही सोचकर की होगी उनके इस अभियान को लोग आत्मसात करें और देश को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आए। सरकार ने करोड़ों रुपए जिलों को स्वच्छता के नाम पर दिए, लेकिन शौचालय बनवाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर अभियान भी चलाया गया और सभी के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री शायद यह भूल गए कि कोई भी योजना बगैर ईमानदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि के परवान नहीं चढ़ सकती है। यही हुआ बुलंदशहर जनपद के गाँव अलोदा जाहिर में। जनपद का ऐसा गाँव जहाँ शौचालय और स्वच्छता तो दूर, बुनियादी सुविधाओं का कोटा है। गंदगी इस कदर है कि सांस लेना भी मुश्किल। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और उन गड्ढों में लबालब भरा गंदा पानी। तभी तो यहाँ के लोग आए दिन किसी न किसी संक्रामक बीमारी के शिकार रहते हैं। सुबह में सफाई अभियान की पड़ताल करने निकली हमारी टीम जब जनपद के आलो जागीर गांव में पहुँची तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। टीम गांव में पहुंची तो वहां गलियों में गड्ढे ही गड्ढे थे जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था और उसमें कई तरह के संक्रामक रोग फैलाने वाले कीट जन्म ले चुके थे। टीम ने जब इस बाबत गांव वासियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गंदे पानी की वजह से अक्सर दिन में भी मच्छरों का प्रकोप रहता है, वहीं गांव में आसपास गंदगी का अंबार भी रहता है। गांव से बाहर जाने के लिए कई गड्ढेदार और बदबूदार रास्तों को पार करना पड़ता है। टीम जब गांव पहुंची तो वहां का नजारा और भी हैरान करने वाला था। बदबू के कारण वहां सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां शौचालय बना हो। गांव में ना तो सड़कें हैं और ना ही किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं। लोग घरों से बाहर निकलकर खेतों में शौच जाने को मजबूर है। गांव वालों को कहना है कि पूर्व ग्राम प्रधानों ने गांव में किसी भी तरह का कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं कराया, जिससे गांव की हालत दिन पर दिन निम्न होती चली गई। गांव वालों ने कई बार उच्च अधिकारियों को भी गांव की दयनीय दशा से वाकिफ कराया, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उनके पास नहीं आया। हमारी टीम ने कई ग्रामीणों से बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने कई दर्द हमारे साथ साझा किए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मायूस इसलिए हैं कि इस सरकार में भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मनमानी कर रहे हैं। सरकारी सुविधाओं की आस में बुजुर्ग व महिलाएं ग्रामवासी स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुविधाओं को तरसता गांव, शौचालय सरकारी, हैंडपंप, गैस कनेक्शन, रोड पर गली में आसपास न लाइट न सूर्य ऊर्जा, कच्ची गलियां, टूटी सड़कें, गांव अलुदा की पहचान बन चुकी है। ग्राम प्रधान जवाहर सिंह पत्नी उषा जितेन से पहले बहुत वादे किए, अब सीधे मुंह बात नहीं करते। ग्रामवासी अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है, ऊपर से कोई भी सहायता राशि आएगी तो तुम गांव वालों को जरूर मिलेगी। ना सरकार की तरफ से एक शौचालय का निर्माण आया, ना ही सरकार की तरफ से किसी ग्रामवासियों को शौचालय का निर्माण की राशि दी गई। ग्रामवासी, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे बाहर शौच जाने को मजबूर। गलियों में जरा सी बरसात होते ही घुटनों तक पानी भर जाता है। गलियों की बनने की बात तो दूर है, मरम्मत तक नहीं होती है। ग्रामवासी दूषित पानी पीने को भी मजबूर है। मोदी सरकार आने के बाद ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी की उम्मीद तो जागी थी, पर अब टूटती नजर आई है। दिल्ली के NCR से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शहीपुर बजरंग दल के तत्वाधान में हाट के चौक स्थित हनुमान मंदिर धनावदा पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम के मुख्य मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता विहिप के जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने की। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रांत साप्ताहिक मेलन प्रमुख अवधेश तिवारी श्री ओझा ने बताया कि हिंदू सांस्कृतिक में प्राचीन काल से शस्त्र पूजन की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही शस्त्र पूजन किए जाते हैं। हमारे देवी देवताओं ने अपने हाथों में जो शस्त्र धारण किए हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए और पापियों का नाश करने के लिए। श्री ओझा ने वीर बजरंगियों देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्रों का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस प्रकार देश में आतताई शक्तियां बढ़ रही है, जो दुराचारी देश धर्म और राष्ट्र को नहीं मानते हैं, लोगों का बोलबाला हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वीर बजरंगी धर्म की रक्षा के लिए चुप नहीं बैठे रहेंगे। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अवधेश तिवारी समक्ष संकल्प लेंगे, प्रशासन हो या शासन हो, जो दुराचारियों को बल देगा, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए कानून भी हाथ में लेना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। धरनावदा से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।